नमस्कार, मैं हूं नवीरा शेख और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। सिहोरा बस स्टैंड में शुक्रवार को अतिक्रमण तोड़ने जेसीबी लेकर पहुंचे नगर पालिका के अमले को लोगों ने जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई में प्रशासन भेदभाव कर रहा है। रसूखदार लोगों के कब्जे नहीं तोड़े गए, वहीं गरीब की रोजी रोटी छीनी जा रही है। अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई के दौरान हंगामे की भी स्थिति बन गई। इसके बावजूद अतिक्रमण दस्ते ने सिहोरा बस स्टैंड से लेकर करीब आधे किलोमीटर के एरिया में जमे अतिक्रमण को या तो तोड़ डाला या अलग कर दिया। नगर पालिका के अमले की इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नगर पालिका सिहोरा का अतिक्रमण दस्ता करीब 4 बजे के लगभग सिहोरा बस स्टैंड पहुंचा। वहां जमे चाय पान के ठेले को अमले ने हटाना शुरू किया, लेकिन बस स्टैंड में स्थित एक दुकान जिसमें करीब 10 से 20 फुट तक का कब्जा कर रखा था, उसे जेसीबी से नहीं तोड़ा गया, जिसको लेकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी उपयंत्री आरपी शुक्ला से लोगों ने बहस शुरू कर दी, जिसको लेकर तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका का अतिक्रमण दस्ता प्रभावशाली और जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क पर करीब 8 से 10 फुट कब्जा होने के बावजूद उन पर मेहरबान है। उनकी दुकान है जो सामने तक पक्की बनी है, वहां बुलडोजर नहीं चलाया गया। वहीं गरीबों की रोजी रोटी पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। लोगों का ये भी कहना था कि स्थानीय प्रशासन की सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, कुछ दिनों बाद अतिक्रमण की स्थिति फिर बन जाएगी। वैसे देखा जाए तो प्रशासन ने बिना तैयारी के ही अतिक्रमण को तोड़ने और हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। मुट्ठी भर अमले के साथ नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते में सेवड़ा बस स्टैंड से अधिक आधा किलोमीटर में एरिया में जमे चाय के पान टपरों को हटाकर अलग कर दिया। कुछ दुकानदारों के सामने से शेड भी हटाए गए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन खितोला मोड़ से लेकर मनसकारा तक दोनों तरफ कब तक पक्की अतिक्रमण हो और दुकानदारों के सामने कब्जे को हटाता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।